आज के इस वीडियो में हिंदी ग्रामर का एक महत्वपूर्ण चैप्टर कवर करेंगे और ये होगा वचन। यह वीडियो आपके उन सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण होगी जहां पे हिंदी ग्रामर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप चाहते हैं इस वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड करना या फिर यहां पे जो भी मिलेगा उसको पोस्ट के रूप में पढ़ना, तो आपको ये वाला ऐप डाउनलोड करना होगा जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। इस वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, उसके बाद बेल आइकन दबाएं, उसमें ऑल सेलेक्ट करें इसी तरह की बेहतरीन वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। तो आज की यह वीडियो देखने से पहले आप उन सभी वीडियो को देखें जो कि ऑलरेडी अपलोड है। आपको उन सबका लिंक इस वीडियो के प्लेलिस्ट में या फिर एप्लीकेशन पे मिल जाएगा। आज की यह वीडियो होगी वचन के बारे में। हिंदी ग्रामर का जो ये चैप्टर है वचन, ये एक छोटा चैप्टर है लेकिन आपके हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। इस वीडियो में बने रहिए, वीडियो के लास्ट में आपको ये पता चलेगा कि आपका ये चैप्टर कितना तैयार है, यानी कि आपको एक्सरसाइज भी मिलने वाला है। शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे वचन होता क्या है। तो वचन कहने का ये मतलब है कि नंबर यानी कि संख्या, जैसे कि जहाँ पर हम बात कर रहे हैं उनकी संख्या कितनी है, क्या एक है, दस है या फिर एक से अधिक है। तो अगर एक है तो एक वचन और एक से अधिक है तो बहुवचन। हिंदी में आप देखेंगे कि वचन केवल दो ही प्रकार के होते हैं। जैसे उदाहरण आप देखेंगे, लड़की खेलती है, पढ़ने पर हमें क्या पता चला कि यहाँ पे एक व्यक्ति के बारे में बात की गई है, मतलब लड़की है वो एक ही तो है। यहाँ पे है कि लड़कियाँ खेलती हैं, यानी कि यहाँ पे एक से अधिक है। तो इस तरह हिंदी ग्रामर में आप देखेंगे कि वचन होते हैं केवल और केवल दो प्रकार के, एक वचन और बहुवचन। एक वचन में क्या होता है कि हमें किसी भी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, पदार्थ के एक होने का पता चलता है। मतलब जहाँ पर भी हमें ये पता चले कि वहाँ पे कोई भी चीज़ है और एक है, तो वहाँ पे क्या होगा, एक वचन होगा। उसी तरह जहाँ पे ये पता चले कि एक से अधिक लोग हैं वहाँ पे बहुवचन होगा। एक वचन में आप देख सकते हैं लड़का, गाय, सिपाही, बच्चा, कपड़ा, माता, माला, पुस्तक, स्त्री, टोपी, बंदर, मोर इत्यादि। बहुवचन में आप देखेंगे कि एक से अधिक लोग होते हैं, जैसे कि लड़के, गाय, कपड़े, टोपियाँ, मालाएँ, माताएँ, पुस्तकें, वधुएँ, गुरुजन, रोटियाँ, स्त्रियाँ, लताएँ और बेटे। तो हिंदी ग्रामर में बस दो ही होते हैं। यहाँ पे पूछा क्या जाएगा आपके परीक्षा में, तो ये पूछा जाएगा कि निम्न को बहुवचन बनाने पर क्या होगा। बहुवचन बनाने के भी कई तौर तरीके हैं। देखिए, अगर आपको कहा जाए कि लड़के लड़का है, इसको बहुवचन बनाइए, तो आप कर देंगे लड़के। ये कहेगा कि गुरु का बहुवचन बताइए, तो आप क्या करेंगे, तो इसका गुरुजन होगा। तो इस तरह जहाँ पर ढेर अलग अलग तरह के जो शब्द मिलेंगे यही आपसे परीक्षा में पूछे जाते हैं। यहीं पे हम वही देखने वाले हैं कि एक वचन से बहुवचन बनाने के लिए क्या क्या नियम लागू होता है। देखिए, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो कि पुल्लिंग है और अगर वो आकारांत है, मतलब कि उनका जो एंड पॉइंट है खत्म होने वाला है, ये किसी आप या के खत्म हुआ है, तो इस तरह को हम क्या करेंगे, ए लगा देंगे। जैसे लड़का है, इसका बहुवचन बनाने के लिए हम क्या करते हैं, लड़के बना देते हैं, ए लगा दिया। घोड़ा है तो घोड़े हमने बना दिया, कपड़ा है तो कपड़े बना दिया। मतलब कि कुछ शब्द पुल्लिंग ऐसे होते हैं जिनको अगर बहुवचन बनाना है तो केवल ए लगाकर आप उनका बहुवचन बना सकते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे शब्द हैं जिसमें अगर आपको बहुवचन बनाना है तो आपको आय लगाना पड़ता है, और ये शब्द होते हैं स्त्रीलिंग और आकारांत। आकारांत कहने का मतलब कि जो वो अंत होगा उनका, जैसे कि अगर आप आँख की बात करें तो इसके लास्ट में अ है, ये भले आपको दिख नहीं रहा है लेकिन अ है। जैसे ख में अ होता है, ख को आप इस तरह लिखते हैं, ख धन अ ख। तो ये जो खत्म होती है, अ पर खत्म होती है, आकारांत है। और स्त्रीलिंग मतलब कि जहाँ पे स्त्री का बोध हो, तो जहाँ पर भी इस तरह के शब्द आते हैं उनको बहुवचन बनाना होगा तो आपको आय लगाना पड़ता है। आपने देखा कि जो पुल्लिंग वाले शब्द होते हैं आकारांत में वहाँ पे केवल ए लगता है, लेकिन जो स्त्रीलिंग वाले शब्द होंगे वहाँ पे आय लगेगा। जैसे कि आँख, आँखें हो जाएगा। पुस्तक का बहुवचन, पुस्तकें हो जाएगा। किताब का बहुवचन, किताबें हो जाएगा। यानी कि आपको यहाँ पे पॉइंट भी, ये जो अंक की मात्रा, ये भी नहीं छोड़ना है, क्योंकि हिंदी ग्रामर के दृष्टिकोण से एक बहुत बड़ी त्रुटि होगी। जब आकारांत में स्त्रीलिंग शब्द हो, मतलब कि आ हो, तो वहाँ पे आ की जगह पे ए कर दिया जाता है, मतलब आ भी रहता है। जैसे कि कविता है और इसका बहुवचन बनाना हो तो कविताएं, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ए के साथ चंद्रबिंदु जोड़ा जा रहा है। लता है तो लताएं, अध्यापिका है तो अध्यापिकाएं। यानी कि आपको सबको पढ़ना पड़ेगा। अगर एक दो बार आप पढ़ लेंगे तो परीक्षा में इन्हीं में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
जब कुछ स्त्रीलिंग शब्द होते हैं और अगर वो यहाँ पे खत्म है तो उनके ऊपर चंद्र बिंदु लगाकर उनका बहुवचन बनाया जाता है, और अगर वो यहाँ पे नहीं खत्म है तो उनके लास्ट में या लगा दिया जाता है और चंद्र बिंदु भी लगाया जाता है। जैसे कि बिंदिया है, बिंदिया का बहुवचन बनाने के लिए लास्ट में या है, यहाँ पे ऑलरेडी पहले से या दिया हुआ था तो हमने केवल चंद्र बिंदु लगा दिया और ये हो गया बहुवचन। चिड़िया का बहुवचन बनाने के लिए हो गया चिड़िया, लास्ट में या है तो हमने केवल चंद्र बिंदु लगा दिया। बुढ़िया में या है तो हमने केवल चंद्र बिंदु लगा दिया। नदी में या नहीं है तो यहाँ पे हम या जोड़ेंगे और चंद्र बिंदु भी जोड़ेंगे। लड़की में या नहीं है तो यहाँ पे लड़की में या लगाएंगे और चंद्र बिंदु भी लगाएंगे। यानी कि आप ये देखिए कि आपसे परीक्षा में यही पूछा जाएगा कि निम्न का बहुवचन क्या होगा या फिर बहुवचन बनाने के लिए आप क्या जोड़ेंगे। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिन पे कोई भी रूल रेगुलेशन नहीं लगता है, इनको हम अपवाद बोलते हैं। अपवाद में जो शब्द हैं, जैसे कि कुछ ऐसे शब्द होंगे जो कि बहुवचन बनाने के लिए उनके लास्ट में दल, वृंद, वर्ग, जन, लोक या फिर गण शब्द जोड़ा जाता है। जैसे कि जो सेना है, सेना का अगर बहुवचन बनाना है तो हम सेना दल कहेंगे। आप सेनाओं भी कर सकते हैं लेकिन सेना दल एक अच्छा शब्द है। आप है, अगर आपका बहुवचन बनाना है तो आप लोग कहेंगे, आपका आपो तो नहीं होता है। गुरु का बहुवचन बनाने के लिए हम गुरुजन कर देते हैं, यानी कि हमने यहाँ पे क्या जोड़ दिया, जन। श्रोता का बहुवचन बनाने के लिए हमने जन जोड़ दिया, यानी कि श्रोता जन हो गया। कुल मिला के इस तरह के चैप्टर में, हिंदी ग्रामर के इस चैप्टर में आपको बहुवचन वाले रूल से पता रखने हैं। यहाँ पे देखिए, अगर भाई का बहुवचन बनाना है तो आप भाई भाई कह सकते हैं, बहन का बहन बहन कह सकते हैं, गांव का गांव गांव कह सकते हैं और घर का घर घर कह सकते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे शब्द होते हैं जहाँ पे आपको ओ जोड़ना पड़ता है, जैसे कि साधु मतलब साधुओ, घर मतलब कि घर ओ, क्या जोड़ा जा रहा है ओ, दवा यानी कि दवाओं। तो आपको याद रखना होगा कि किस शब्द में क्या होता है। वैसे अगर आप हिंदी पढ़ते हैं तो आपको ऐसे भी ढेर सारे शब्द पता होंगे। आगे बढ़ते हैं तो अकारांत और इकारांत वाले संज्ञाओं के पीछे यो जोड़ करके उनका बहुवचन बनाया जाता है। जैसे अकारांत मतलब इकारांत मतलब कि जो खत्म होगा छोटी ई की मात्रा पर, इकारांत का मतलब कि जो खत्म होगा बड़ी ई की मात्रा पर, मतलब कि मुनि क्या होगा तो ये इकारांत होगा और गली क्या होगा तो ये वाला इकारांत होगा, मतलब यहाँ पे बड़ी मात्रा है। तो अगर इस तरह के जो शब्द होते हैं उनके पीछे यो जोड़ करके इनका बहुवचन बनाया जाता है, जैसे कि मुनि का मुनियो, गली का गलियो, नदी का नदियों। इसके अलावा देखिए, ये जो पेज आपके स्क्रीन पर दिख रहा है ये बेहद महत्वपूर्ण है। ये आप कह सकते हैं कि वचन वाले चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण अगर कुछ है तो यही वाला है। आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, अगर आप एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे तो वहाँ पे आपको बुक वाइज, मतलब कि जैसे आप बुक में पढ़ते हैं चैप्टर चैप्टर वहाँ पे आपको लिखा हुआ मिलता है, उसी तरह आप एप्लीकेशन पे जाके पढ़ सकते हैं और ये सारा चीज़ वहाँ पे आपको एक रिटन फॉर्मेट में मिलेगा। पीडीएफ भी मिल जाएगी, वीडियो भी मिल जाएगी, इसलिए आप एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड करिए। देखिए, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो बहुवचन बनते ही नहीं हैं, ये हमेशा और हमेशा एक वचन में होते हैं। मतलब कि परीक्षा में अगर आपसे ये पूछ कहा जाए कि जनता का बहुवचन बताइए तो जनता का बहुवचन जनता ही होगा, क्योंकि जो जनता एक शब्द है ये हमेशा और हमेशा एक वचन में होता है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, इन शब्दों को आपको याद ही करना होगा, कोई और तरीका नहीं है, क्योंकि अगर आप याद कर लेंगे तो परीक्षा में आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा ये। तो शब्द है माल, जैसे कि माल लूट गया, जनता सो रही है, सामान लेकर आओ, सामग्री सोना, क्रोध, क्षमा, छाया, प्रेम, जल, पानी, हवा, आग, दूध, वर्षा इत्यादि। तो ये ऐसे शब्द हैं जो हमेशा एक वचन में होते हैं। परीक्षा में आपको कंफ्यूज करने के लिए पूछा जाएगा कि बताइए कि आप प्रेम का बहुवचन क्या होगा, तो प्रेम का बहुवचन प्रेम ही होगा। पूछ लिया जाएगा पानी का बहुवचन क्या होगा, तो पानी का पानी नहीं होगा, पानी का पानी ही होता है। तो परीक्षा के दृष्टिकोण से ये काफी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमेशा बहुवचन में होते हैं, मतलब कि उनका एक वचन भी नहीं कभी होगा, जैसे कि प्राण, दर्शन, आंसू, होश, हस्ताक्षर, लोग, प्रजा, रोम, बाल, समाचार, केस इत्यादि। ये नहीं है कि बस इतने ही शब्द हैं पूरे हिंदी ग्रामर में, लेकिन यहाँ पे जो शब्द लिखे गए हैं ये कई बार आपसे आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं, तो अगर आप इनको याद कर लेते हैं तो यहाँ से बाहर कोई भी शब्द पूछे जाने के चांसेस ना के बराबर है। तो यहाँ पे आपको कुछ नोट करने की जरूरत नहीं है, आप एप्लीकेशन पे जाइए, वहाँ पे सब कुछ आपको चैप्टर वाइज मिल जाएगा। यानी कि आपको ये सारे शब्द याद ही करने होंगे, ये हमेशा होते हैं एक वचन में
और जो ये नीचे वाले शब्द हैं हमेशा होते हैं बहुवचन में। अब चलिए देखते हैं कुछ क्वेश्चनों को, जिससे ये पता चलेगा कि आपका जो ये वाला चैप्टर है हिंदी ग्रामर में वचन वाला चैप्टर, ये कितना महत्वपूर्ण है, कितना आपको आ रहा है। तो देखते हैं, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, नदी का बहुवचन बताइए, और यहाँ पे आपको अपना उत्तर कमेंट करके बताना होगा। दो सेकंड होगा आपके पास, कमेंट करके तुरंत बताएं। अगर आप ये वीडियो ऑफलाइन देख रहे हैं, मतलब कि लाइव होने के बाद देख रहे हैं, तो भी आप अपना उत्तर कमेंट करके जरूर बताएं। और देखिए, सही उत्तर होगा नदियाँ, नदी का होता है नदियाँ। अगला देखते हैं, तो अगला है कि वचन कितने प्रकार के होते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है, लेकिन आसान भी है। ये होता है दो, एक वचन और बहुवचन। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हमेशा बहुवचन में प्रयोग में लाया जाता है, मतलब कि ये एक वचन में होता ही नहीं है। परीक्षा में अगर ये पूछ ले कि इस शब्द का एक वचन बताइए, तो आप कहिएगा कि एक वचन वही होगा जो बहुवचन में दिख रहा है, एक वचन वैसे इसका होगा ही नहीं। और ये क्या है, प्राण, क्योंकि हमने आपको बताया है यहाँ पे, अगर आपको याद हो, ये जो प्राण है ये हमेशा किस में होता है, बहुवचन में होता है। अगला है कि निम्न में से एक वचन कौन है, इनमें से कौन है जो कि एक वचन है, तुरंत कमेंट करके बताएं दो सेकंड में। देखिए, चांदी भी एक वचन है, सोना भी एक वचन है, और लोहा भी एक वचन है, यानी जो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। निम्न में से बहुवचन क्या है, होश दर्शन हस्ताक्षर, तीनों को आप देख लीजिए, होश दर्शन और हस्ताक्षर। देखिए, होश हस्ताक्षर और दर्शन, ये तीनों किस में है, बहुवचन में है। अब यहां पे आके देखिए, अगर आपको याद रहता तो देखने की जरूरत नहीं पड़ती, ये तीनों बहुवचन में है, यानी कि आपका सही उत्तर होगा उपरोक्त सभी। निम्न में से बहुवचन में क्या है ये बताइए, तुरंत 2 से 3 सेकंड। जो भी लोग अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, जरूर लाइक करें। और अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड करिए, 4 MB का एप्लीकेशन है, आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। देखिए, लेखक एक वचन है, गुरु एक वचन है, और युवा भी एक वचन है, लेकिन बहुवचन पूछा गया है, आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। जनता शब्द में वचन कौन सा है, जनता में, देखिए जनता हमने आपको बताया था, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप देखिए जनता क्या है, भले आपको बहुवचन दिख रहा हो, लेकिन यह होता है हमेशा और हमेशा एक वचन में, तो आपको याद ही करना पड़ेगा, और इसका सही उत्तर होगा एक वचन। आपका बहुवचन क्या होगा, आपका क्या होगा, देखिए आपका आपो नहीं कह सकते, तो ये होगा आप लोग। इनमें से एक वचन बहुवचन का कौन सा युग्म सही नहीं है, कौन सा युग्म है जो कि सही नहीं है। देखिए, घोड़ा का तो घोड़े होता ही है, तो ये तो बिल्कुल सही है। आंसू, आंसू खुद एक बहुवचन वाला शब्द है, तो इसका बहुवचन भी क्या होगा, एक वचन, और दोनों वचन मतलब बहुवचन दोनों ही आंसू होगा, ये आंसू कोई शब्द नहीं होता है, यानी कि क्वेश्चन में पूछा गया था कि सही नहीं है, क्वेश्चन के हिसाब से ये वाला ऑप्शन सही होगा। पुस्तक का बहुवचन बताइए, पुस्तक का होगा पुस्तकें। वर्षा का बहुवचन बताइए, तो वर्षा खुद एक बहुवचन वाला है, तो इस वर्षा का होगा वर्षा है। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए, और अगर आप किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी करते हैं जहां पे आपको ये सारी चीज़ें चाहिए, तो इस ऐप को जरूर डाउनलोड करें, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। प्ले स्टोर पर SSC ऑनलाइन एग्जाम लिखकर और ये वाला लोगो देखकर आप इसे डाउनलोड कर पाएंगे। आज के इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू। इस वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, उसके बाद बेल आइकन दबाएं, उसमें ऑल सेलेक्ट करें, इसी तरह की बेहतरीन वीडियो सबसे पहले पाने के लिए।